अभी देखो हमें काफी सारा गमला मिला, ये देखो एक ये रहा, आओ अगर हम ढूंढे तो मम्मी अगर हम ढूंढे ना वो जट्टा हम गमला ढूंढे ना काफी सारा मिल जाएगा, काफी सारा। तो चलो ढूंढते हैं गमला, तीन पांच मिले हैं हमें, पांच। हाँ लाके क्या करोगे देखो, और एक गमला दिखाती हूँ आपको मैं। बाबा भाई करे एजेक्ट गमला है ना, ठीक करो, सब पीछे इधर उधर फेंका हुआ रहता है गमला। और एक तो ठीक करो, तो पीपड़े बहुत गमलों में हमने मिट्टी भर दिया है, और अभी तीन बचा है उसमें भर देंगे, फिर थोड़ी देर के बाद लेके चलेंगे अंदर। चीटी देखो जी माजली पोप चरण थे लाल लाल है, हम जहाँ ये वहाँ भरो भरो चला गया। तो यहाँ पे तो सब भांग का पत्ता है, तुम तो भांग का पत्ता दे रहे हो। ये यहाँ का सबसे अच्छा ग्रो करेगा है ना, देखो खाद ही खाद है। नहीं गया चींटी, ये मैंने सुना ये बस जहरीले चींटी होते हैं, काटते ही जलन हो जाता है। इस वाले में क्या लगाओगे? और एक बचा है, चल छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही धोने वाली हूँ, ठीक है, तो मैं मजे ले रही थी। वो ये पाइप चला दो और वो ट्राइपॉड ला दो, ट्राइपॉड ला दो मुझे फटाफट से, मैं इधर का काम कर देती हूँ जल्दी। थोड़े बहुत कपड़े हैं, ज्यादा नहीं, बोलो। तो मैं माधव को मायका छोड़ के आई हूँ कि मैं थोड़ा काम करूँगी, लेकिन अंदर का काम हो ही नहीं रहा है, खाली ये कपड़े ही धोए जा रही हूँ। और आज मेरे हस्बैंड भी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि उनका भी बहुत सारा काम है, उनका कितना बोलूँ यार, एक तो उनको टाइम मिला है काम करने का सुबह के टाइम, क्योंकि मैं माधव को ना मायका छोड़ के आई हूँ, आज काफ़ी सारा काम था। और यहाँ देखो आज है ना 24 दिसंबर, लेकिन आज ना देखो छोटे छोटे सेंटा क्लॉज जा रहे हैं, और
हाँ आज है क्रिसमस डे, आज नहीं कल है क्रिसमस डे, लेकिन फिर भी स्कूल में ना आज क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ना कल तो है संडे, तो इसलिए क्रिसमस हम बच्चे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे स्कूल में, तो ना मतलब अभी अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन। तो आज है 24 दिसंबर, आज तो क्रिसमस डे नहीं है लेकिन बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कूलों में, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एडवांस बोल दे रही हूँ मैरी क्रिसमस। और कल भी है संडे को मैरी क्रिसमस, तो हम लोग क्रिसमस डे ना हम लोग बाहर सेलिब्रेट करेंगे, मतलब कहाँ बोलो ना, मतलब मेरी मौसी सास के घर पे जाएंगे कल, तो वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। अगर आते वक्त अगर मेरे हस्बैंड अगर कहीं अच्छी सी जगह लेके जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग क्रिसमस डे सेलिब्रेट करेंगे। वैसे मेरे सास ससुर जा रहे हैं ना, तो वो लोग समझते नहीं है क्रिसमस व्रिसमस, तो इसलिए सेलिब्रेट हो भी सकता है नहीं भी, फिर बोलेंगे क्या फिजूल का खर्चा करना, तो देखते हैं घर आके ही फिर हम लोग करेंगे। मम्मी पापा ना समझते नहीं है, ओल्ड ज़माने के हैं ना, तो फिर वो लोग नहीं समझते हैं। तो चलो अभी ना बर्तन धो लेते हैं, काफ़ी सारे बर्तन हैं और इनको मुझे धोने हैं। कल रात के भी बर्तन हैं, मैंने रख दिए थे क्योंकि ना काफ़ी लेट हो गया था, 11 बज गया था हमारा सोते सोते खाते खाते, तो इसलिए मैंने सोचा कि दीदी आएगी तो सुबह ही धो देगी, लेकिन फिर दीदी आई नहीं और फिर मुझे अभी धोना पड़ा। आई नो कि रात के बर्तन रखने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखो एक बच्चा है ना, तो अभी हम लोग सब कुछ कर नहीं सकते। और सुबह मैं उठते ही धो देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है, फिर मैंने धो दिया है अच्छे बर्तन सारे, बाहर सुखा के भी आ गई हूँ बर्तन, और अभी मैं यहाँ सारे जो डस्टिंग का काम है वो भी कर ले रही हूँ, और अभी जाऊँगी मैं वाले फ्रंट वाले रूम में टेबल क्लीन करने के लिए। तो ये एक चादर है, तो इसको मैं सोफे पे बिठा दे रही हूँ और मतलब लगा दे रही हूँ, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड काम करते हैं ना बेड बैठ के, तो इसलिए थोड़ा साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और इधर है क्या है, मशीन मैंने चला के रखा है, तो फटाफट से हम कपड़े धो देते हैं क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं, और एक बार अगर कपड़े धुल जाते हैं ना तो बहुत खुशी हो जाती है, बहुत खुशी मिलती है मुझे। तो देखो गाइस, ये सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं और अभी मैं एक साथ ड्राई भी कर लूँगी, तो चलो फटाफट से ड्राई कर लेते हैं। अभी मैं अपना हस्बैंड का हेल्प ले रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी भार है, अगर मैंने भार चीज़ें अगर उठाए ना तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब पेन होगा मुझे काफ़ी कमर में। तो जो बड़े बड़े काम होते हैं ना वो मेरे हस्बैंड करके देते हैं, सीरियसली बहुत अच्छा काम करते हैं मेरे लिए, और मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत मतलब मेरे ऊपर और मेरे बच्चे के ऊपर बहुत केयरफुली रहते हैं, बहुत केयरफुल पति एंड पापा है, काफ़ी अच्छे हैं बोलना चाहिए कभी कभी जब सामने रहते हैं तो थोड़ा बहुत तारीफ़ कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर कामचोर हो जाते हैं हर पति लोग, थोड़ा बहुत बोलना चाहिए ना, चाहे आप जितना भी डांट लो बुराई कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत आमने सामने तो अच्छी चीज़ बोलनी चाहिए हस्बैंड लोग।